हम चाहे कहीं हो, ये नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी तो छूट जाए छूट जाए, कोई चिंता नहीं है, ये बरकरार बना रहना चाहिए जीवन में, बरकरार बना रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी नित्य प्रति उठकर गुरुदेव को, अपनी माता को, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु, भगवान भक्त के कारण अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। तब ही अचानक एक घटना घटी। श्री ठाकुर जी थोड़े बड़े तो हो गए हैं, गुरुग्रह से आ गए हैं, भगवान अयोध्या में हैं, तब ही एक अचानक घटना घटी। घटना कौन सी थी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसंत बिपिन शुभ आराम देखत जग निसाचर धावनि करहि उपद्रव मुनि दुख पावनि सियाराम जय राम जे सियाराम सियाराम जे राम जे सियाराम। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि निसि चर पापी सियाराम जय राम जे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी नाम के बहुत बड़े महामुनि हैं। दाधि तनय, विश्वामित्र जी का आश्रम है, उस आश्रम में सारी सुविधाएं हैं, पर जब ये यज्ञयाग करने बैठते हैं ना, तो रावण के दो राक्षस हैं, एक का नाम है मारीच और एक का नाम है सुबाहु, वो दोनों आ जाते हैं और वो दोनों आकर बहुत नाश करते हैं। यज्ञ जब चलता हो तो उसमें मांस और रुधिर की आहुति डाल देते हैं, बहुत विध्वंस करते हैं। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, वैसे तो देखिए विश्वामित्र जी उनको श्राप देकर भी खत्म कर सकते थे, पर विश्वामित्र जी सोचते हैं यदि श्राप दे दूंगा तो भगवान की लीला आगे कैसे बढ़ेगी, श्री ठाकुर जी को तो बुलाना होगा ना, इसीलिए विश्वामित्र जी ने मन में वचन भरा और मन में विचार करके गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहिं निसिचर पापी। भगवान के बिना इन निशाचरों को कोई नहीं मार सकता। और दूसरा कारण क्या था पता है, जानते हैं दूसरा कारण क्या था, आप धैर्य पूर्वक कथा सुनिए, आपको आप बराबर सारा कारण पता चल जाएगा। दूसरा कारण पता है आपको, दूसरा कारण ये था, सो प्रभु मैं देखत निज नयना, उन प्रभु को मैं एक बार मेरे नयन से निहारना चाहता। हम लोग संसार को देखने में लगे ना, इसलिए भगवान नहीं दिखते हैं। एक बार हम भगवान को देखने में दिख जाए तो भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं दिखेगा।